नेक्स्ट हम बाकी बात करते हैं एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, ठीक है, जो नेक्स्ट आपके पास फैक्टर था। तो यहाँ पर आपके पास ये कैसे डिफाइन होता है, ये आपके पास एफ से डिनोट होता है। तो एफ इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स रे डायफ्रेक्टेड बाय एन एटम डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स रे डायफ्रेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए स्कैटरिंग सेंटर फॉर एक्सेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ स्कैटरिंग सेंटर फॉर एक्सरेज। ठीक है, ये चीज़ आपके पास। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये होगा कैसे, जैसे कि आपके पास ये कोई एटम है तो उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। ठीक है, तो आपके पास ये इंसिडेंट एक्सरे, ठीक है, इंसिडेंट एक्सरे एंड दिस इज डायफ्रेक्टेड एक्सरे। ओके, दिस इज एट से थीटा बी। ओके, थीटा बी। ओके, तो यहाँ से आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि आपके पास डायफ्रेक्टेड जो ये एक्सरे होगी इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा कब होगा। ठीक है, डायफ्रेक्टेड एक्सरे का एम्पलीट्यूड ज़्यादा कब होगा, ये आपके पास ज़्यादा तब होगा जब आपके पास मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो सिंपल एक थंब रूल है यहाँ पर कि मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल एक थंब रूल जो आपके पास है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर डायफ्रेक्टेड एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको NaCl का, NaCl में आपके पास क्या है, Na प्लस आयन और Ca प्लस आयन। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ Na प्लस एंड ये यहाँ पर आपके पास Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास इंसिडेंट एक्सरे एंड ये डायफ्रेक्टेड एक्सरे, इंसिडेंट एंड डायफ्रेक्टेड। तो यहाँ पर आपके पास जो F होगा, आपके पास एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर होगा, तो Na प्लस के पास आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और Cl नेगेटिव में आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो F होगा, ठीक है, एफ आपके पास किस में ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे मोर डिफ्रेक्टेड एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, मोर डिफ्रेक्टेड एम्पलीट्यूड होगा जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो Cl का आपके पास, Cl नेगेटिव का आपके पास ज़्यादा होगा एफ Na प्लस से, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही आप बात करें, हम बात करें KCl की, KCl की अगर हम बात करें K प्लस एंड दिस इज Cl नेगेटिव। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है अपने आप में। ठीक है, इसे आप ध्यान भी रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर, तो देखिए इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सी एल नेगेटिव के पास, तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन्स नंबर सेम आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम आ गया तो आपके पास डिफ्रेक्टेड एप्टीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर इस केस में क्या होगा, एफ के प्लस इज इक्वल टू एफ सी एल नेगेटिव। तो आपके पास एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर दोनों का सेम होगा। एक और आप केस देखिए इसके अंदर के बी आर का, के बी आर में देखेंगे जैसे कि हमने बात कर लिया ना एन ए सी एल के सी एल। ठीक है, अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या निकल जाती है, NaCl और KCl का आपके पास स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, दोनों का देखने में आपके पास स्ट्रक्चर सेम है बट यहाँ पर स्कैटरिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, तो स्कैटरिंग डिफरेंट क्यों होती है वो आपने देख ली है। ठीक है, KBr में अगर बात करें तो KBr में आपके आपके पास एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कैसे वर्क करता है, के प्लस का कम होता है और Br का नेगेटिव का ज़्यादा होगा। ठीक है, ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके,